आज का ये जश्न दिल रंग जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसका ख़ास मौका ये है कि ये मेरे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अजमत हुसैन ख़ान मैकश दिलंग का 48वां योम वफ़ात है। इससे पहले कि मैं आगे बढूं, मैं चाहूँगा आप सब लोग आगे आ जाएं ताकि जो आए वो मुझे नज़र आए कि हाँ अभी लोग रास्ते में हैं और बरसात का मौसम है, पहुँचने में ताखिर हो रही। मेरे वालिद मोहतरम एक माहिर गायक और नायक थे, ये सभी जानते हैं, मौसीकी में माहिर थे और वो उन्हें वरासत में मिली थी और शायरी भी। तो इन दोनों कीमती वरासतों को साथ में लेकर वो यूपी अलीगढ़ अतरौली से मुंबई तशरीफ लाए, मुंबई में आए 1927 में। मैं चाहता हूं कि सभी हजरात जो मौजिस सामईन और शोराए कराम इतने अहम और मेरे दिल के करीब उर्दू के सिपाही मैं कहूँगा उन्हें, वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मुझे इंतहाई मसरत होती है इस बात से कि जब मैंने आज के इस मौके के बारे में कैसा जश्न मना रहे हैं और मोहतरम जनाब नवीन जोशी साहब नवा, इनकी संस्था इंशाद जो बहुत अच्छा काम कर रही है लिटरेचर में उर्दू हिंदी और दूसरे दीगर टैलेंट्स को उभारने में बहुत इनका योगदान है, तो नवीन जी की मोहब्बत, देखिए इनके बारे में अगर मैं एक जुमला कहूँ तो यही कहूँगा कि ज़ुबान में ज़रा सी तुरशी ज़रूर है लेकिन जो हिकमत इनके पास है वो बहुत कम लोगों के पास होती है। इनकी हिम्मत अफजाई, इनकी मोहब्बत और कोऑपरेशन जो मुझे मिला तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं आगे बढ़ा और मैंने सोचा कि दिलंग एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट जो कम से कम 85 प्रोग्राम कर चुकी है, जिसमें संगीत सम्मेलन, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस, मुशायरे, कवि सम्मेलन और बहुत से इवेंट्स हमने किए हैं, डिबेट्स भी किए हैं, वो 4-5 साल से हमारी कोई एक्टिविटीज़ हो नहीं रही। आप सब जानते हैं कि हम जो क्रिएटिव फ्रेटर्निटी है, वो लोग जो क्रिएशन इख्तरा और शेर व अदब से जुड़े, उनके लिए ये बड़ा इम्तहान का वक्त था, लॉकडाउन का जो पीरियड था उसके बाद में ये मौका मुझे मिला, नवीन जी मिले, इंशाद उनकी अपनी संस्था है दिलंग एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स, मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे इरफान जाफरी मोहतरम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कैसुल जाफरी साहब के साहबजादे और बेहतरीन शायर ख़ुद भी एजाज़ हिंदी साहब बैठे हैं, मोहतरमा अलका शरर तशरीफ़ लाई हैं और कई ऐसे मौजूद लोग हमारे खासुल खास दोस्त, यानी उन जिनको मैं अगर कहूँ एक लफ्ज़ में कहूँ तो कहूँगा शायरी के कीड़े, इनको शायरी का इतना ज़ौक व शौक़ है, मयूर पारिक जी बैठे हैं, उनके बड़े भाई भी हैं मुकेश जी, कि 4-5 किताबें भर गई हैं। अब ऐसे ही लोग तो हमें चाहिए, समझे। तो आज का ये जश्न जो है मेरे लिए बहुत अहम है, जज्बाती तौर पर भी और बड़े दिल से, रूह की गहराइयों से मैं इससे जुड़ा हूँ। इससे पहले कि मैं एक ऐसा तौसीफी कलाम जो मैंने वालिद साहब के लिए लिखा है, मगर वो इस हैसियत से लिखा है कि वो मेरे उस्ताद थे, अपने उस्ताद के लिए कुछ कलाम ऐसा कि जो उनकी ज़िंदगी, उनकी तस्वीर, उनकी शख्सियत, उनकी इल्मियत को जाहिर करें। वो चंद बन मैंने लिखे हैं,
मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद में मैं मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब को माइक पे दावत दूंगा। वो कुछ तमीदी अब्बा जी के ताल्लुक से, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है उनसे, तो वो माइक पे आएंगे और कुछ फरमाएंगे। तो मैं ये अशार पढ़ रहा हूँ, बहुत तहत में दोहराऊँगा नहीं क्योंकि वक्त की कमी है। शेर है कि अदब में चार सू, अदब में चार सू देखो कहीं पर ऐसा महकश है, अदब में चार सू देखो कहीं पर ऐसा महकश है, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। पहला बंद पेश कर रहा हूँ। अलीगढ़ में है एक कस्बा जिसे अतरौली कहते हैं। अतरौली वो जगह जो संगीत की जितनी किताबें छपी आज तक शाये हुए अतरौली का नाम वहाँ रहता ही है। अतरौली, आगरा, जयपुर, खुर्जा, हापुड़, अलीगढ़ में है एक कस्बा जिसे अतरौली कहते हैं, जहाँ पर आज भी फनकार अदीब अदीब वक्त रहते हैं। वतन है आपका यूपी, रहाइश मुस्तकिल मुंबई, अजीमुल मर्तबा अजमत तखल्लुस इनका महकश है। दूसरा बंद यह है फरजंद वाहिद हजरत खैरात अली खां के, मोहब्बत करते हैं, शफकत भी है इनको हर इंसान से, बहुत ऊंचे घरानों से बड़ी तालीम पाई है, बड़े ऊंचे घरानों से बड़ी तालीम पाई है, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। खजाने इल्म के पाए कभी मामू से ताया से, कभी तालीम उर्दू फारसी अरबी मिली माँ से, मिली है संस्कृत और भोजपुरी की ज़िया दा से, दादा अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। बसा था सांसों में उनके यकीनन इल्म मौसीकी, बसा था सांसों में उनके यकीनन इल्म मौसीकी, बड़े उस्तादों से हासिल हुआ था इल्म मौसीकी, बहुत रिश्ता पुराना सदियों से संगीत का उनका, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस उनका महकश है। और शेर है बंद है कि रहे अल्ताफ हुसैन उस्ताद उनके खुर्जा वाले, देखिए घराने हैं खुर्जा घराना तौली घराना, रहे अल्ताफ हुसैन उस्ताद उनके खुर्जा वाले, मिले भरपूर गुण अल्लाह दिया से और विलायत से, हर एक उस्ताद को वो इज्जत व ताज़ीम करते थे, हर एक उस्ताद की वो इज्जत व ताज़ीम करते थे, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस उनका महकश है। अदीबों में था नाम उनका, बहुत ऊंचा मकाम उनका, अदीबों में था नाम उनका, बहुत ऊंचा मकाम उनका, सुखनवर ऐसे के था एक अलग अपना निज़ाम उनका, उन्हें सीमाबे आली से मिला शर्फ़े तलमुज भी, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस उनका महकश है। मकाले बंदिशें लिखी तराने खूब लिखे हैं, कहीं मजमून तहकीकी ड्रामे खूब लिखे हैं, कहीं ढेरों गज़ल नज़में और हमदो नात कह डाले, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। वजाहत, अब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, वजाहत उनके बेटे हैं, वरासत जो संभाले हैं, वजाहत उनके बेटे हैं, वरासत जो संभाले हैं, वहीं रफत भी हैं, साजों के माहिर सुर संभाले हैं, अदब मौसीकी में छोड़े दमकते जानशी हीरे, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। लिखा अरशे मोहब्बत तो बड़ा ही नाम पाया है, लिखा अरशे मोहब्बत तो बड़ा ही नाम पाया है, बहुत खिदमात दी जब रेडियो पर काम पाया है, रेडियो भी रहे बरसों, लिखा अरशे मोहब्बत तो बड़ा ही नाम पाया है, बहुत खिदमात दी जब रेडियो पर काम पाया है, हुए शागिर्द कसरत से बहुत इज्जत जो करते थे, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। और कई एजाज हासिल थे, कई दरबारों में गाए, मेरे दिल पर तो दायम ऐसे उनके मर्तबे छाए, हुए रुखसत तो 64 उम्र थी अल्लाह की मर्जी, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। लिखे हैं देशभक्ति पर हज़ारों गीत महकश ने, लिखे हैं देशभक्ति पर हज़ारों गीत महकश ने, कई शहरों में अपने फ़न से पाई जीत महकश ने, बहुत हैं चाहने वाले जो दिल लंके हैं शैदाई, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। बहुत थे मुनफरिद आला सिफत अकदार के शैदा, बहुत थे मुनफरिद आला सिफत अकदार के शैदा, नहीं सदियों में दीदा वर कोई उनसा हुआ पैदा, सखावत में जहानत में मतानत में वो थे यकता, सखावत में जहानत में मतानत में थे वो यकता,
मतानत में वो थे यकता अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस उनका महकश है, थे खुददारी में यकता गुफ्तगू में जानदारी थी, नवाबों और राजाओं में एक मुद्दत गुजारी थी, न कौलो फैल में पाया कभी उनके तजाद, न कौलो फैल में पाया कभी कोई तजाद उनके अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस उनका महकश है। शिकारी थे, शिकार का बहुत शौक था और खाना खिलाने का, खाने से ज़्यादा खिलाने का, आप जानते हैं सागर साहब, और हर वक्त दस्तखान लगा रहता था घर पे। एक दौर गुजरा है ऐसा कि जो भुलाए नहीं भूलते हम। शिकारी थे, बहुत शौकीन थे खाने खिलाने के, बड़ी दौलत कमाई अपने फन से एक ज़माने में। बड़े दिग्गज भी उनका सामना करने से डरते थे, बड़े दिग्गज भी। ग़ुलाम अली खान साहब के ऊपर गए 4 बार, और वो दौर ऐसा कि ग़ुलाम अली खान साहब का तूती बोलता था जब वहाँ से आए। तो खैर वो एक अलग किस्सा है कि शिकारी थे, बहुत शौकीन थे खाने खिलाने में, बड़ी दौलत कमाई अपने फन से एक ज़माने में, बड़े दिग्गज भी उनका सामना करने से डरते थे, अजीमुल मर्तबत अजमत तखल्लुस इनका महकश है। और ये आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, पर मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग और आ जाएं तो रौनक बढ़ेगी। आखिरी बंद है कि जो थे असलाफ के शहदा थी गहरी पीर से निस्बत। देखिए निस्बत का मामला बहुत गहरा होता ही है। जो थे असलाफ के शहदा थी गहरी पीर से निस्बत, कभी छोड़ी ना कुनबा परवरी अपनों पे की शफकत, है उनकी याद में नमदीदा।